अलमेकम स्टूडेंट्स पाकिस्तान में सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जो है इट इज़ सेट टू एक्सपैंड ये बढ़ेगी आउटलुक हमें बताती है कि इसमें इजाफा होगा इसमें वसत आएगी और इसमें डेप्थ आएगी हम कैसे ये बात कह सकते हैं जो थोड़ी बहुत स्टडीज़ अवेलेबल हैं जो नंबर्स अवेलेबल हैं वो हमें बताते हैं कि पिछले दस से पंद्रह साल में जो सोशल एंटरप्राइजिस है उनकी एम्प्लॉबलिटी की रेशो जो है वो बिज़नेस एंटरप्राइज़ की नस्बत ज़्यादा रही पिछले कई सालों से आपने बिज़नेस को सिर्फ शोर मचाते सुना होगा कि वो नुकसान में जा रहे हैं उन्हें सब्सिडीज़ चाहिए यहाँ पे बिज़नेस का इन्वायरमेंट नहीं है और लोग जो हैं उनको फारिग किया जा रहा है उनको रिडंडेंट किया जा रहा जबकि उसी टाइम में सोशल एंटरप्राइजेस जो हैं वो लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं तकरीबन जो रेशो है बिज़नेस एंटरप्राइजेस और सोशल एंटरप्राइजेस के दरमियान एम्प्लाइबलिटी की वो सोशल एंटरप्राइजेस की एट परसेंट ज़्यादा है और फिर टर्नओवर भी है कि लोग आते हैं वो सोशल एंटरप्राइज को ज्वाइन करते हैं काम करते हैं फिर छोड़ के जाते हैं और कहीं और काम करते हैं और उनकी जगह पर नए लोग आ जाते हैं तो ये इंडिकेटर्स एक्सपेंशन के जब नए लोग एम्प्लॉय हो रहे हों और उनकी तादाद बढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि वो एंटरप्राइज एक्सपेंड कर रहा है उसमें पोटेंशियल है बढ़ने का इस वक्त जो करंट सिचुएशन है पाकिस्तान में सोशल एंटरप्राइज की उसके चंद कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो बहुत नुमायाँ हैं मसलन, क्योंकि सेक्टर खुद एक तरह से न्यूली इस्टेबलिश्ड है ज़्यादातर मोर देन फिफ्टी परसेंट हमारे जो सोशल एंटरप्राइज हैं वो पिछले दस से पंद्रह सालों में इस्टैब्लिश हुए हैं और अमूमन दे आर लेड बाय यंग पीपल अंडर थर्टी तीस साल से कम उम्र के यंग लोग हैं जो एंटरप्राइज लीडर्स का इस वक्त काम कर रहे हैं और ये फैक्ट के इस्टेब्लिश जो एंटरप्राइजेस हैं वो नए हैं और उनके लीडर्स यंग हैं उससे इनोवेशन जो है उसको बढ़ावा मिलता है जो कि सोशल एंटरप्रन्यशिप में एक की कैरेक्टर है कि इनोवेट करेंगे तो स्टार्टअप्स पिकअप करेंगे सस्टेन करेंगे और प्रॉफिट अर्न करेंगे और सोशल इम्पेक्ट जो है वो क्रिएट और इंक्रीज कर सकेंगे तो इस सेक्टर का और इसमें मौजूद लोगों का यंग होना एक पॉजिटिव चीज़ है एक पोटेंशियल इंडिकेट करता है कि ये आगे बढ़ेगा सेक्टर ये इसमें ग्रोथ होगी एक दूसरा की कैरेक्टर जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का बनस्बत बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप के है वो इसकी जेंडर डायमेंशन है पाकिस्तान में इस वक्त सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में वेमन लीडर्स कहीं ज़्यादा हैं बिजनेस एंटरप्राइज की नस्बत और ये विमेन लीडर्स जो हैं जब किसी सोशल एंटरप्राइज को एक खातून लीड करती है तो इमकान जो है जो एक्सपेक्टेशन है कि उसके अंडर खाती ज़्यादा एम्प्लॉयड होंगी वो ज़्यादा खुतन को एम्प्लॉय करेगी अट्रैक्ट करेगी अपने एंटरप्राइज में अगर ख़ातून लीडर ना भी हो तो भी इस वक्त पाकिस्तान में जो नंबर्स अवेलेबल हैं वो ज़ाहिर करते हैं कि सोशल एंटरप्राइज़ में चार गुना ख़वा ज़्यादा हैं उसी साइज़ के बिजनेस एंटरप्राइज की नस्बत यह वो सेक्टर है जिसके साथ लोग स्परिचुअली और सोशली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये वो लोग हैं जो जिनका काम करने का तरीका मुख्तफ है जो एक ब्लाइंड कंपटीशन जो बिज़नेस सेक्टर में होता है उसके पीछे नहीं है तो समझ आती है कि ख़्वीन को इसमें एडजस्ट करना जो है वो उनके लिए आसान है बतौर लीडर्स भी और बतौर एम्प्लज़ भी हर दो तरह से ये सेक्टर जो है वो आप कह सकते हैं पाकिस्तान के बिज़नेस सेक्टर की नस्बत काफ़ी जेंडर बैलेंस पाकिस्तान में जो सोशल एंटरप्राइज है उसकी कंसंट्रेशन हमने पहले भी जिक्र किया एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में है उसकी वजह समझ आती है कि गवर्नमेंट जो है उसने इतना गैप छोड़ दिया है गवर्नमेंट इज़ अनएबल एक्चुअली टू प्रोवाइड एजुकेशन फैसिलिटीज टू द यंग पॉपुलेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज तो वो जो गैप गवर्नमेंट जो सर्व करने में नाकाम हो गई है ब्रिज करने में नाकाम हो गई है तो सोशल एंटरप्राइजेज जो हैं वो उस गैप को ब्रिज करने की उसको फिल करने की कोशिश कर रहे हैं ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ना सिर्फ सोशल इंटरप्राइज़ के लिए बल्कि गवर्नमेंट के लिए भी कि अगर गवर्नमेंट एक पब्लिक सर्विस या एक पब्लिक गुड जो है वो डिलीवर करना चाहती है तो उसके पास पार्टनर्स पोटेंशियल पार्टनर्स सोशल एंटरप्राइज की शक्ल में मौजूद हैं जिनके साथ वो मिलकर काम कर सकती है लेकिन पाकिस्तान में सोशल इंटरप्राइजेस जो हैं उनको कुछ चैलेंजेस का भी सामना है और उनकी कुछ डाउनसाइड्स भी हैं सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ऑफ कोर्स फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं हमने पिछले मॉड्यूल में जिक्र किया कि कोई ऐसी बॉडी या एंटिटी या कोई ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मौजूद नहीं है स्पेसिफिक जो कि सिर्फ सोशल इन्वेस्टर्स जो हैं सोशल इंटरप्राइजेज जो हैं उनको इन्वेस्टमेंट फ्राहम कर सके सोशल इंटरप्राइजेस को या तो बिजनेस एंटरप्राइज के साथ कम्पीट करना पड़ता है उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन पे फाइनेंस के लिए जो कि वो अमूमन नहीं कर सकते या फिर उन्हें डोनेशन और चैरिटेबल सोर्स या इस किस्म के जो आल्टरनेटिव मैथड्स हैं उनकी तरफ देखना पड़ता है ख़ास तौर पर जो सीड मनी या स्टार्टअप मनी है उसके लिए फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और ये एक बाकायदा बैरियर है सेक्टर में एंट्री के लिए नए सोशल एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक दूसरा बैरियर जो है वो लीगल इश्यूज हैं जैसे हमने पिछले मॉड्यूल में जिक्र किया कि कोई स्पेसिफ़िक लेजिस्लेशन मौजूद नहीं है जो कि सिर्फ सोशल एंटरप्रेन्योर्स जहां अपने आप को रजिस्टर करा सकें और सोशल एंटरप्राइज के तौर पर उनकी लीगल ऑब्लिगेशन उनकी रोल्स एंड रिस्पांसिबलिटीज़ डिटामिन की जा सके वो या तो अपने आप को नॉट फॉर प्रॉफिट लॉज के तहत रजिस्टर कराते हैं या फिर फॉर प्रॉफ़िट के तौर पर और ज़रूरी नहीं है कि सोशल एंटरप्राइज़ जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट के, के तौर पर रजिस्टर है वो वैसा ही हो जैसे एक ट्रेडिशनल चैरिटी होती है या फिर वो सोशल एंटरप्राइज जो अपने आप को बिजनेस एंटरप्रेन्योर के या फॉर प्रॉफिट के तौर पर रजिस्टर कराते हैं वो बिल्कुल वैसे ही हों जैसे कि कोई प्योर बिजनेस जो कि फॉर प्रॉफिट होता है उसकी तरह ये इन दोनों से फर्क है इसलिए सोशल एंटरप्रेन्योर स्ट्रगल कि वो अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करें ट्रिपल बॉटम लाइन इज जैन इशू के सोशल एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली अभी एक नया सेक्टर है लोग इसमें जो आ रहे हैं कंपैरेटिवली यंग हैं रिसोर्स की कमी है लीगल फ्रेमवर्क्स अवेलेबल नहीं है ऐसे में सोशल एंटरप्रेन्योर्स के लिए मुश्किल हो जाता है बैलेंस करना कि सोशल इम्पेक्ट फाइनेंशियल सस्टेनेबलिटी और इन्वामेंटल इम्पेक्ट जो है वो तीनों को एक साथ लेके चल सकें बाज़ात स्ट्रगल होती है फ़ाइनेंस जो है वो कहाँ से सिक्योर किए जाएँ और फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन अपने आप को सस्टेन करने के लिए कहाँ से आए और बात जो है वो इस स्ट्रगल में एनवायरमेंटल इश्यूज जो हैं वो पीछे रह जाते हैं बास सोशल एंटरप्रेन्योर्स पाकिस्तान में कमिटेड हैं सोशल काजेज़ के साथ और वो उन सोशल काजेज़ को डिलीवर करने के लिए उस इम्पेक्ट को क्रिएट करने के लिए वो दीगर दो चीज़ें यानी फाइनेंशियल और इन्वामेंटल सस्टेनेबिलिटी अभी इंश्योर नहीं कर पा रहे तो ये ट्रिपल बॉटम लाइन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अभी पाकिस्तानी सोशल एंटरप्रेन्योर्स को टाइम लगेगा उसको अचीव करने में इसी से रिलेटेड मेरा लास्ट पॉइंट जो है जो चैलेंज सोशल एंटरप्रेन्योर्स को पाकिस्तान में है वो रिसर्च के हवाले से है रिसर्च इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन जाहिर है वो कॉस्टली होती है सोशल एंटरप्रेन्योर्स के पास इतने रिसोर्स नहीं हैं और ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद नहीं हैं जो इनोवेशन पर रिसर्च करने के लिए सोशल एंटरप्रेन्योर्स को इन्वेस्टमेंट जो है वो फ्राहम कर सकें और इसी तरह रिसर्च जो है वो इनइट सेल्फ सोशल एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर सोशल इंटरप्राइज के ऊपर कि वो कौन हैं वो क्या कर रहे हैं उनका नंबर एग्जैक्टली exactly क्या है किन सेक्टर्स में है किस किस्म के उनके इश्यूज़ हैं किस किस्म की उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी नीड्स क्या हैं उस पर कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च हमारे पास मौजूद नहीं है कि एविडेंस इनफॉर्म्ड पॉलिसी जो है वो बनाई जा सके पाकिस्तान में सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के पोटेंशियल को कैपिटलाइज करने के लिए उसको बढ़ाने के लिए जो कि डेफिनेटली है ज़रूरी है कि इन चंद बॉटल को फाइनेंशियल कंस्टेंट्स ट्रिपल बॉटम लाइन का बैलेंस और रिसर्च इन बैरियर्स को दूर किया जा सके